जिला कांगड़ा में बरसात से अब तक 115 करोड़ रुपए का नुकसान विभिन्न विभागों को हो चुका है। सबसे अधिक नुकसान पीडब्ल्यूडी और एनएच विभाग को हुआ है। वहीं जल शक्ति विभाग भी इससे अछूता नहीं है। 12 जुलाई से लेकर अब तक जिला में 115 करोड़ का नुकसान होने के साथ 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें 10 लोगों की मौत भो में हुई थी, जबकि 4 लोगों की मौत जिला के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी और एनएच विभाग को 65 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है, जबकि जल शक्ति विभाग को 30 करोड़ का नुकसान आंका गया है। बारिश की वजह से जो स्कीमें जल शक्ति विभाग की प्रभावित हुई थी उनमें से अधिकतर को बहाल कर दिया गया है, जबकि 2 दिन पहले ही 2 स्कीमें ग्रामीण क्षेत्र की थी जिन्हें जल्द बहाल करने के लिए जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों को कहा गया है। बारिश की वजह से प्रभावित हुए सड़क मार्गों की बात करें तो खड़ीबही और चेतड़ू से शीला रोड को खासा नुकसान पहुंचा है, जिन पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बरसात में जिन भी लोगों को नुकसान हुआ है उनकी राहत मैनुअल के तहत फौरी राहत दी जा रही है। जो 12 जुलाई से लेकर अब तक जो पूरे ज़िला के अंदर लगभग 115 करोड़ का जो लॉस है वो दर्ज किया गया है, और इसमें 14 जो अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है वो रिपोर्टेड है, 10 वो एरिया से और बाकी जो ज़िले के बाकी एरियाज हैं उनके अंदर से रिपोर्टेड है। और इसमें मैक्सिमम जो है वो पीडब्ल्यूडी और एनएच का जो लॉस है वो दर्ज किया गया है लगभग 60 से 65 करोड़ के आसपास, और इसके अतिरिक्त जो आईपीएच की स्कीम्स हैं लगभग 30 करोड़ के आसपास जो इनका जो लॉस है वो दर्ज किया गया है। इसमें आईपीएच की जो स्कीम्स हैं उनमें डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें 2 रूरल एरिया के अंदर स्कीम्स थी जो अभी बहाल किए जाने थे, और वो उन्होंने जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं उन्होंने ये बताया था कि 1 या 2 दिन के अंदर भीतर उनको बहाल कर दिया जाएगा। और उसके अतिरिक्त जो स्कीम्स हैं लगभग 250 के आसपास स्कीम्स जो हैं वो रूरल एरिया के अंदर और बाकी जो अर्बन स्कीम्स हैं वो सारी अपना सुचारू रूप से आईपीएच की चल रही हैं। और जो सड़कों की बात है तो एक जो खड़ी बही वाला रोड है वो इस समय जो डैमेज है, और साथ ही साथ जो चढ़ी जो ये चातड़ू और शीला वाला रोड है इस समय डैमेज है, यहाँ पर जो कार्य चल भी रहा है, और ये मेजर रोड्स हैं जो इस समय प्रदेश के अंदर बाधित हैं। रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो रिलीफ दे था उसका भुगतान किया जा रहा है, और फौरी राहत सभी जो प्रभावित लोगों को दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं उनके लिए भी जो जिला प्रशासन द्वारा जो समय समय पर जो जो डिमांड पीडब्ल्यूडी आईपीएच से आ रही है या ब्लॉक्स के माध्यम से आ रही है उसको भी जो है वो मदद की जा रही है रिकंस्ट्रक्शन के लिए।